तो कल हमने आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनाई थी कि कैसे जब वो चाय और सिगरेट पीने अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, वहां पर उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दें, इस वीडियो में हम दुर्लभ कश्यप की हत्या क्यों की गई इसके बारे में चर्चा करेंगे। दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उसकी माँ की कैसे मौत हो गई 3 महीने के बाद, वो भी बताएंगे। दुर्लभ कश्यप की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन उसका एक और जिगरी दोस्त था, उसने भी इस दुनिया को छोड़ दिया था, इसकी चर्चा भी करेंगे। चौथी चर्चा इस वीडियो में ये करेंगे कि दुर्लभ कश्यप के जो हत्यारे थे वो आज कहाँ हैं, उन्होंने आखिर दुर्लभ कश्यप की हत्या की ही क्यों थी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया, मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। दरअसल दुर्लभ कश्यप की लाश हेल्लाबाड़ी इलाके में उसी गली में पड़ी हुई थी। उस वक्त उसके दोस्त वहां से उसे छोड़कर भाग चुके थे। दुर्लभ कश्यप अकेला पड़ चुका था और इसीलिए मौके का फायदा उठाकर उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब वहाँ पर पुलिस पहुँची, पुलिस ने दुर्लभ कश्यप की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हुआ, उसके माता पिता को भी सूचना दी गई। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में निकल कर सामने आया कि दुर्लभ कश्यप के शरीर पर 36 बार चाकू से उसे मारा गया था। एक 20 साल के लड़के को, हालांकि वो गैंगस्टर था, लेकिन 20 साल के गैंगस्टर को 36 बार चाकुओं से उसके विरोधी गैंग के बदमाश शहनवाज गैंग ने बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा था। ये मामला आया गया हो जाता है, दुर्लभ कश्यप का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन दुर्लभ कश्यप की माँ जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये जानते हुए कि उनका बेटा गलत रास्ते में है, वो समझाने के बजाय उसे और बढ़ावा देती थी। बढ़ावा कहने का मतलब ये है कि दुर्लभ कश्यप को कभी पैसों की ज़रूरत होती थी तो उसकी माँ उसे भरपूर पैसे देती थी। जैसा मैंने पहले कहा कि उसकी माँ एक प्रोफेसर थी, पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं। पिता एक ठेकेदार थे, छोटे मोटे नेता थे, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि दुर्लभ कश्यप जो है बदमाशी की दुनिया में एक बड़ा बदमाश बनने का सपना देख रहा था। दुर्लभ कश्यप दरअसल जब अपने घर से पार्टी करके निकला तो उसके साथ जो और बहुत सारे बदमाश थे, उनमें नीलेश ठाकुर नाम का जो बदमाश था वो दरअसल उस वक्त हेल्लाबाड़ी इलाके में नहीं गया। उसने कहा कि मुझे इंदौर जाना है और मैं इंदौर जा रहा हूँ। दुर्लभ कश्यप हेल्लाबाड़ी गया और नीलेश ठाकुर इंदौर गया। लेकिन दुर्लभ कश्यप जब मारा गया वहाँ पर, तो इंदौर रोड पर उसी वक्त नीलेश ठाकुर का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये एक्सीडेंट था या फिर किसी साजिश के तहत ये हुआ था, ये जानकारी निकलकर तो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उसकी भी उसी दिन मौत हुई थी। तो दो चेहरे, दुर्लभ कश्यप, नीलेश ठाकुर, एक ही गैंग के उसी दिन मारे गए थे। अब सवाल उठता है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद क्या हुआ। अंतिम संस्कार के बाद एक मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ खुद उज्जैन के महाकाल का मंदिर है, वहाँ के चारों तरफ एक बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया और दुर्लभ कश्यप की याद में वाहन रैली आयोजित की जाएगी, कुछ इस तरह की बातें उसमें लिखी गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उन सभी आयोजकों को गिरफ्तार किया, जिसमें राहुल कलेसिया नाम का एक बदमाश था, वो प्रमुख था इसका, तो सभी को रोका गया और सबको डिटेन किया गया, बाद में उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये जो बाइक रैली निकाली जाने वाली थी दुर्लभ कश्यप की याद में, इसे हटाया गया वहाँ से, इसे कैंसिल किया गया। महीने बीतते जा रहे थे, दुर्लभ कश्यप के हत्यारे जेल में पहुँच चुके थे। जेल में दुर्लभ कश्यप के हत्यारों को डर लग रहा था फांसी की सजा का, तो उसमें से एक हत्यारा था, उसने जेल के ऊपर एक पानी की टंकी बनी थी, वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ से कूदकर वो आत्महत्या कर लेता है। शायद उसे अपनी मौत का डर सता रहा था। बाद में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो जाँच पड़ताल होती है, निकल कर सामने आता है कि दुर्लभ कश्यप का एक हत्यारा, जिसने एक समय दुर्लभ कश्यप की हत्या करने में बहुत ज़्यादा उस वक्त रोल अदा किया था, दुर्लभ कश्यप को सबसे ज़्यादा चाकू से निमारे थे, तो उसने आत्महत्या कर लिया था क्योंकि उसे डर था कि उसे फांसी की सजा हो सकती है। इसके बाद जो दुर्लभ कश्यप के बाकी हत्यारे थे, एक के बाद एक सभी लोग धीरे धीरे जमानत पर बाहर आ गए। जो मेन आरोपी था शहनवाज, उसने कहा कि दुर्लभ कश्यप ने तो मुझे गोली मारी थी, मैं अपराधी कहाँ से हूँ, मैं आरोपी कहाँ से हूँ, मैं तो खुद पीड़ित था, गोली आज भी मेरे गले में यहाँ फंसी हुई है। तो इसका हवाला देकर शहनवाज भी जेल से बाहर आ गया। आज के मौजूदा वक्त में सभी लोग बाहर हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ तो दो लोगों को, एक तो उज्जैन के रहने वाले लोगों को जो स्थानीय लोग थे, और दूसरा पुलिस प्रशासन को। लेकिन नुकसान अगर किसी को हुआ तो सबसे ज़्यादा उसकी माता जी को। उसकी माँ दरअसल दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद बदहवास से हो चुकी थी, और 3 महीने के बाद दुर्लभ कश्यप की माँ ने सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट डाला। उसने लिखा कि दुर्लभ कश्यप के बारे में कि बेटा तुम्हें आज गए 3 महीने हो गए,
न जाने तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदा हूँ। और उसके कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। तो दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके घर में एक व्यक्ति बचा हुआ है जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं, मनोज कश्यप। उनका यही कहना है, लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी उनके बेटे की तरह अपराध की दुनिया में ना आए। हालांकि दुर्लभ कश्यप जो एक समय सोचता था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनेगा, उसकी गैंगस्टर बनने का जो सपना था वो धरा का धरा रह गया। आज वो मौत की नींद सो चुका है। उसके गैंग के जो और बाकी सारे लोग थे वो जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। लेकिन इन सब में देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद एक खबर और निकल कर चर्चा हुई दुर्लभ कश्यप की मौत के करीब 1.5 साल के बाद, कि दुर्लभ कश्यप की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाई जाएगी। और इस फिल्म को पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलोन के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी वो एक्टर इस के ऊपर स्टोरी लिख चुका था। बाद में इस पूरे मामले में दुर्लभ कश्यप के पिता हाईकोर्ट पहुंचे, दुर्लभ कश्यप के मामा हाईकोर्ट पहुंचे और इसको रोका गया। दरअसल रोकने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर दुर्लभ कश्यप के ऊपर फिल्म बनाई जाती है तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो दुर्लभ कश्यप के रास्ते पर चल सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। हालांकि दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप के इस कदम को, इस पहल को लोगों ने सराहा था और लोग यही चाह रहे थे कि जिस तरह से दुर्लभ कश्यप के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो कई सारे लोग अपने आप को दुर्लभ कश्यप के गेटअप में देखने को मिलते थे। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों में दुर्लभ कश्यप की तरह दिखने की एक समय होड़ मची हुई थी। तो ये हाईकोर्ट में जाने का फैसला जो दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप का था, ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ था। ठीक उस तरह से जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री जब थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखा कहलोन के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी शूटर, उसे पंजाब के अंदर टेलीकास्ट होने से रुकवा दिया था। नहीं तो पंजाब के अंदर आज जो गैंगस्टर कल्चर देखने को मिल रहा है शायद और भी ज़्यादा होता, जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता था। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी यहीं तक थी। पहले पार्ट में हमने आपको दुर्लभ कश्यप के ज़िंदगी के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में हमने दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद क्या कुछ हुआ था वो सब बताया। दुर्लभ कश्यप की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या दुर्लभ कश्यप ने जो फैसला किया था कम उम्र में गैंगस्टर बनने का, क्या वो फैसला सही था? या फिर उसे जिस तरह से वो एक अच्छे घर का, संपन्न घर का लड़का था, अगर उसे सही दिशा मिलती, उसके माता पिता साथ होते, उसे देखते, समझने की कोशिश करते, तो शायद आज भी वो इस दुनिया में जिंदा होता। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मुझे देवनाथ पांडे को दीजिए इजाज़त, हमारे सहयोगी कैमरे के पीछे गौरव सक्सेना, इनको भी दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।